हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, माफी चाहता हूँ यार, पर क्या करें, कभी कभी नहीं हो पाता यार, कैसे भी कितने भी कोशिश कर लो कभी कभी लेट हो ही जाता है यार। तो खैर, छोड़ते हैं इन सब बातों को और आते हैं अपना मुद्दे पे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है रॉयल इनफील्ड की लॉक किट के ऊपर, जो कि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कमेंट्स आई थी। आप में से ही किसी भाई ने मुझे कमेंट्स करी थी कि सर हमें लॉक किट की अनबॉक्सिंग भी दिखाइए बुलेट की साथ के साथ। आपने कभी रॉयल इनफील्ड या बुलेट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ मुझे एक लॉक किट की वीडियो दिखाइए। तो ये हमारी लॉक किट के ऊपर ही है। बस मेरे पास दो लॉक किट है जिनकी मैं वीडियो बता रहा हूँ। एक तो बुलेट ACDC जो आती थी स्टैंडर्ड रोल वाली, वो है, और एक इलेक्ट्रा है। तो दोनों की लॉक किट की वीडियो दिखाएंगे और ये भी बताऊंगा कि संधार, देखो कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा संधार के बारे में कि संधार जेन्युइन है, एक वेंडर कंपनी है जो कि 100% OE प्रोवाइड कराती है कंपनियों को। तो ये बुलेट को भी प्रोवाइड कराती है 100% जेन्युइन लॉक किट, और इसी की वीडियो बनाऊंगा और कितनी सस्ती है इसमें ये भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे। ये हमारा लॉक किट है, देख लीजिए, मार्कर से मैंने लिखा हुआ है लॉक सेट ऑफ 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 पीस इसके अंदर निकलेंगे। टोटल सेट ऑफ 5 है, इसलिए सुटेबल फॉर बुलेट इलेक्ट्रा ओल्ड, इलेक्ट्रा जो ओल्ड मॉडल आती है हमारा उसमें लगेगी। पार्ट नंबर इसका ये है, हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 3526910, और MRP सिर्फ 631 रुपये है, और इस पर भी जो डिस्काउंट मिल जाए वो अलग है। तो एक पीस सेट है पूरा अपना, यहाँ पे 631 रुपये MRP है इसकी, और जुलाई 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है, या क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी। अब मुझे लगता है 150 तो नहीं बढ़े होंगे, पर थोड़े बहुत बढ़ भी गए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, पर सस्ती है बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ भी। तो इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, पहले इसे बाद में खोलेंगे और देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या हमारा निकलेगा। तो खोलते हैं इसे और निकालते हैं इसके अंदर से क्या क्या मटेरियल इसमें आता है। तो ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स को करेंगे साइड और आते हैं अपना लॉक सेट पे, जो कि सेट ऑफ 5 लिखा हुआ है। तो देखते हैं वाकई में क्या ये सेट ऑफ 5 होता है। 1, गिनती काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5 and 6। तो यहाँ पे दोस्तों सेट ऑफ 5 का क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ आया, पर यहाँ तो 6 आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टंकी का ढक्कन। हो सकता है कि लॉक सेट ये हो और बाकी ये सेट ऑफ 5 की अलग से पुर्जे हो। तो ये इग्निशन तो नहीं है यहाँ पे, इग्निशन ये है हमारा, सॉरी ये इग्निशन है हमारा और ये हमारा लॉक सेट है। बुलेट जो ओल्ड मॉडल आती है या कोई सा भी मॉडल आता है उसके अंदर इग्निशन अलग होता है और हैंडल लॉक अलग होता है, क्योंकि बुलेट के अंदर होता है ना कि आपको ऑन ऑफ अलग होगा, हैंडल से लॉक होगा और चाबी, यानी कि ओल्ड मॉडल वाला समझ जाओ, जो ओल्ड मॉडल आते थे उसमें भी ऐसे होता था, इग्निशन अलग ऊपर होता था और लॉक हैंडल के पास होता था, जो कि अभी एवेंजर में अभी भी यही आता है, हैंडल के पास लॉक आता है, और ये इन्होंने यही सिस्टम इसमें पहले बुलेट वाले में दिया हुआ है। तो ये हमारा टंकी का ढक्कन है, आते हैं अपना टंकी के ढक्कन के ऊपर, देखते हैं क्या कंपनी का क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा टंकी का ढक्कन आ गया, देख लीजिए, जिस पे कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है, 1918G2212। और क्वालिटी तो देखो भाइयों, मैं सही बताऊँ ना, क्वालिटी तो नंबर 1 है, प्रीमियम है, एक अलग ही क्वालिटी आती है जेन्युइन। देखो संधार तो जेन्युइन है, इसके में कोई शक नहीं है और 100% जेन्युइन क्वालिटी है। और ये हमारा एक और लॉक आ गया जिसपे कुछ कोड है, ऐसे ही 1802212 वही कोड है, सेम टू सेम, और इसकी भी क्वालिटी A1 है। और इसे भी चाबी से खोलते हैं, पहले इग्निशन भी देख लेते हैं। हमारा इग्निशन आ गया ये, और ये हमारी चाबी है, देखो कैसे काम करेगा। मैंने तो बुलेट का, मैं ये ऑन ऑफ है, तो ये हल्का सा बहुत दिनों से रखा हुआ है तो हल्का सा वो है, हल्का सा टाइट है, बाकी नया है इसलिए टाइट है। ये रॉयल इनफील्ड यहाँ पे चाबियों पे लिखा हुआ, पहले ओल्ड में ऐसी चाबियाँ आती थी इसलिए ये चाबियाँ ऐसी हैं, अब तो शायद स्टिकर लगा हुआ आ रहा है चाबियों पर, और चाबी का लुक भी चेंज कर दिया है। और ये लॉक का देखो हमारा इग्निशन है, और 4 वायर का इग्निशन है इसमें, जिसके अंदर एक नीली वायर है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, और एक रेड है, और ब्लू के साथ एक वाइट मिक्स है। और इस पर कंपनी वगैरह कोई देखते हैं कहीं लिखी है या नहीं लिखी, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और कोई कंपनी यहाँ पे भी नहीं लिखी है, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम क्वालिटी अच्छी है इसकी भी। और ये हमारा चाबी हो गई हमारी ऑन ऑफ के लिए, जो हमारा हैंडल लॉक होगा, देखिए यूं के देखिए, अभी खोलते हैं, निकल गया और ये बंद हो गया, ये हमारा चेसी के अंदर फंस जाता है और हैंडल लॉक हो जाता है उस वजह से। तो इसे साइड करेंगे, ये हमारा टूल बॉक्स लॉक हो गए, जो कि टूल बॉक्स हो गए लेफ्ट राइट के, बैटरी कवर और फिल्टर कवर के लॉक हो गए। तो ये निकालते हैं, इसे भी देखते हैं कोई कंपनी वगैरह इस पे है क्या,
इस पर भी कोई कंपनी नहीं है, दिख नहीं रही। हाँ यहाँ पे पार्ट नंबर जरूर लिखा है, देखिए ये पार्ट नंबर दिख रहा है आपको, ये देखिए तो वही पार्ट नंबर है इस पर भी। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे लॉक पे, इस पर भी कोई पार्ट नंबर वगैरह, पर ये है कि ये हैवी बहुत है यार, लोहे का लॉक है। आजकल के बाइक के अंदर साइड पैनल के जो लॉक आते हैं वो तो बहुत हल्के आते हैं, ये शायद इसलिए इतना हैवी दिया हुआ है क्योंकि इसके पैनल जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं और प्लास्टिक के होते इसकी तरह तो झेल नहीं पाते, ये अलग से एक लॉक है। तो ये हमारा बुलेट ओल्ड जो इलेक्ट्रा आती थी ओल्ड, उसकी लॉक किट है। तो इसको करते हैं साइड, आते हैं अपना दूसरी लॉक किट पे जो कि हमारा सेम टू सेम बुलेट है, तो सुटेबल फॉर ACDC बुलेट। ओल्ड में जो ओल्ड वाली जो ACDC बुलेट आती थी उसकी है। तो करते हैं इसे भी अनबॉक्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, सोचा आपको इसकी वीडियो बना के दे ही देता हूँ, कॉमेंट्स भी आ रखी है तो आपको भी मिल जाएगी। तो यहाँ भी सेट ऑफ 5 है, तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यार यहाँ तो सेट ऑफ 5 में सेट ऑफ 5 ही निकली है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ है, और सेम टू सेम वही चीज़ है भाइयों, सेम वायर, सेम कपलर और सेम लॉक, सेम चाबी। बस ये है कि उसके अंदर एक जो है हमारा सेम ढक्कन, देखो सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस भी हो गया इसमें कि ये जो है फ़र्क है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है जो आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं ऐसे समझाता हूँ क्या फ़र्क है। देखो ढक्कन भी सेम है दोनों, लॉक भी सेम है, जो डिफरेंस आया है एक तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है उसके अंदर नॉर्मल वाली के अंदर, ये जो साइड पैनल है ना इसका फ़र्क है। देखो अब इसका क्या फ़र्क है ये मैं आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा, ये देखो ये इसके साइड पैनल है ACDC वाले के और ये ओल्ड के, तो इसमें देखो क्या फ़र्क है, इसकी पत्ती देखो गौर से, दिख रहा है आपको पत्ती का फर्क, ये नीचे है और ये थोड़ी सी लॉन्ग करके ऊपर उठा रखी है, देखो गौर से देखो कितना फर्क है ना, इसकी पत्ती यहां से जाके ऊपर उठी हुई है और एल बन रही है और इसकी पत्ती नीचे आ रही है। तो ये जो फर्क है दोस्तों लॉकेट का फर्क है, बाकी सब कुछ इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ है। और वही चीज इसके अंदर भी फिटिंग भी देख लेते हैं, कोई फिटिंग का फर्क है या नहीं है, तो नहीं कोई भी फिटिंग का फर्क नहीं है। देखो इसमें भी फिटिंग देख लो आपके सामने, कोई भी फिटिंग का भी फर्क नहीं है, फिटिंग भी सेम है, चाबियों तक का कोई फर्क नहीं दिया है इसमें ACDC ओल्ड में, चाबियां भी दोनों है और सेम टू सेम वैसी ही है, डिटो है, वायरिंग के कपलर का भी कोई फर्क नहीं है, जैसी उसकी लॉक किट थी वैसी ही इसकी लॉक किट है। तो दोस्तों इसे अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस का फर्क होगा 100%। प्राइस देख लेते हैं, जो हमारी ACDC है उसका प्राइस हमारा है सिर्फ 631 रुपये, और जो ओल्ड वाली है उसका प्राइस है, नहीं नहीं ACDC वाली जो हमारी है उसका प्राइस 615 है दोस्तों, ये ACDC बुलेट है इसका प्राइस है 615 रुपये, और जो ओल्ड इलेक्ट्रा है उसका प्राइस है हमारा 631 रुपये, यानी 14 रुपीज़ ज़्यादा है ये हमारी दूसरी वाली जो ओल्ड इलेक्ट्रा है वो 14 रुपीज़ ज़्यादा, यानी कि ओल्ड जो अपनी ACDC वाली आती थी बुलेट वो सस्ती है 14 रुपये। तो ये थी दोस्तों हमारी रॉयल इनफील्ड ओल्ड मॉडल की अनबॉक्सिंग दोनों लॉक किटों की, और दोनों का प्राइस कंपैरिजन भी। प्राइस सही बताऊं तो मैं देखो आज की डेट में अगर आप किसी भी बाइक्स में लॉकेट खरीदते हो तो भाइयों 1000 रुपये से सस्ती कोई लॉकेट है ही नहीं आज की डेट में, सब 1000 रुपये से ऊपर ही कर रखी है ढक्कन के साथ। पर रॉयल इनफील्ड का तो देखो मेंटेनेंस, हकीकत में बताऊं ना हकीकत में बॉडी के अंदर कोई इतना लंबा चौड़ा मेंटेनेंस है ही नहीं, मेंटेनेंस तो वहां पे उसमें जब आता है तगड़ा, जब उसके इंजन में काम होना हो, बाकी अगर बॉडी में छोटे मोटे काम, छोटे मोटे पुर्जे, केबल है ये वो सर्विस वगैरह हो, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता, बस कंपनी वालों ने तो ये लगा लो कि अफवाह फैला रखी है और कुछ नहीं है। बाकी बुलेट का मेंटेनेंस सस्ता ही है और न्यू मॉडल की भी बहुत सस्ती है। अभी मैं आपको आज इसकी वीडियो बना के दे रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको इलेक्ट्रा की हेडलाइट की वीडियो बना के दूंगा, और वो भी देखना आपको कितनी सस्ती पड़ेगी, बहुत ही सस्ती है, नॉर्मल बाइक से भी बहुत सस्ती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।